मुंगेर में शिक्षक नियोजना के मेडिकल फिटनेस के लिए पहुंची भीड़ ने किया हंगामा। बता दें कि शिक्षक नियोजन के लिए चयन प्रमाण पत्र लिए सैकड़ों अभ्यर्थियों की भीड़ मेडिकल फिटनेस बनाने के लिए सदर अस्पताल स्थित सिविल सर्जन कार्यालय पहुंची। अभ्यर्थियों की भीड़ एक साथ सिविल सर्जन कार्यालय में जुट जाने के कारण दिन भर अफरा तफरी की स्थिति बनी रही। अभ्यर्थियों की भीड़ कभी ओपीडी से डॉक्टर के उठ जाने तो कभी जांच घर का सीबीसी मशीन खराब हो जाने तो कभी निबंधन काउंटर से कर्मी के उठ जाने के कारण आक्रोशित होकर हंगामा करते रहे। मेडिकल फिटनेस बनाने के नाम पर सुबह 10 बजे सिविल सर्जन कार्यालय की एक महिला कर्मी द्वारा अवैध वसूली की सूचना फैली। अवैध वसूली की शिकायत संज्ञान में आने पर सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार आलोक अपने कार्यालय से बाहर आए तथा अभ्यर्थियों को संबोधित करते हुए मेडिकल बनाने के नाम पर किसी को भी अवैध राशि नहीं देने की बात कहते हुए इसकी शिकायत करने की बात कही। इस बीच दोपहर 12 बजे ओपीडी ड्यूटी समाप्त हो जाने के कारण मेडिकल जाँच कर रहे डॉक्टर उठकर चले गए, जिससे अभ्यर्थी आक्रोशित हो गए और हंगामा करने लगे। दूसरी ओर दोपहर 12:30 पर लंच ब्रेक होने की बात कहकर निबंधन काउंटर बंद कर दिए जाने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने काउंटर पर तैनात डाटा ऑपरेटर दक्ष कुमार के साथ मारपीट की। सिविल सर्जन के आदेश पर जब पुनः काउंटर खोलकर अभ्यर्थियों को पर्ची देना शुरू हुआ तो इसके बाद जांच घर में सीबीसी मशीन खराब हो गया। इस पर पुनः अभ्यर्थी आक्रोशित होकर हंगामा करने लगे, जिसे समझा बुझाकर शांत कराया गया।